अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। आपसे वादा करें, अब उन्होंने दावा तो कर रहे हैं 5 मिनट में रिकॉर्ड हो गया करते आवाम। एक मिनट इंक्वायरी रिगार्डिंग दी काम है। मैं रिटायर्ड स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर हूँ और इंक्वायरी ऑफिसर हूँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। इसमें हाजी साहब है, तुम्हारे चीफ हाजी शरीयत पनाह बल्दा हवेली मंडली बेगम शाली बंडा का इंक्वायरी था उनके ऊपर। गवर्नमेंट डायरेक्शन दिए बोर्ड को, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करके इंक्वायरी करो, तो मेरे को अपॉइंट करे। इंक्वायरी पूरा कम्प्लीट हो गया है और दोनों के चार्जेस फ्रेम कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन ले लिया हूँ। इंक्वायरी कंप्लीट हो गया है, मैं लास्ट स्टेज है जो एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेसेस बोलते हैं, उससे पूरे शवायत का एग्जामिनेशन होना है। वो एग्जामिनेशन होने के बाद ये इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो जाता, उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट जाता, कोर्ट से गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाता। तो इस सिलसिले में मैं उनको फाइनल नोटिस दिया था, ये लोगों ने, ये खाजी चीफ खाजी हमारे मीर मोहम्मद खादर अली साहब को आज अपियरेंस के वास्ते दिया था, और सो दैट दे हैव टू फाइल चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट इन लियो ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। उनके विटनेसेस, इनके विटनेसेस, तो वो लोग आज उनके काउंसिल को भेजे हैं, तो सीनियर काउंसिल है बीमार है, तो हमको एक महीना टाइम दो, उसके बाद हम एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो इस वास्ते मैं केस अडजोन करा हूँ, लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया हूँ दोनों। अगर अपॉर्चुनिटी मैं नहीं दिया क्रॉस एग्जामिनेशन में, विटनेसेस का एग्जामिनेशन अगर मैं नहीं कराया इंक्वायरी ऑफिसर, तो आई लेबल फॉर एक्शन वेर कोर्ट पूछता। तो इस वास्ते मैं लास्ट अपॉर्चुनिटी, तो इंक्वायरी हैज बीन डिलेड बट कंप्लीटेड। साहब इनके ऊपर इल्जाम क्या है? रिपोर्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड द इंक्वायरी, बट ये स्टेज जो है तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वो बाकी रह गया है, उसको भी नोटिस दिया। साहब इन पे इल्जाम क्या क्या है? उनके ऊपर इल्जाम तो बच्चियों के शादियां कराए है, छोटे बच्चियों के अरब लोगों से, उसके बाद है नहीं विदाउट परमिशन कराए हैं, उसके बाद पैसे लिए हैं शादियां कराने के सिलसिले में, वो उनके ऊपर इल्जाम है। अब उसका मैं ऑलरेडी मेरे पास खाका है रिपोर्ट का, अगर विटनेसेस एग्जामिनेशन होने के बाद मेरे को लास्ट में उनके ऊपर उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है उसके बारे में मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के बाद में कंप्लीट रिपोर्ट है, नहीं इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद फाइंडिंग्स वर्क बोर्ड को देना है। नहीं, अभी साल भर से खाली डेट पे डेट चलते हैं। डेट पे इंक्वायरी तो कंप्लीट हो गया है, फर्ज करो मैं रिपोर्ट दे दिया, अब मैं हाफ रिपोर्ट दे दिया तो कोर्ट को जा सकता बात। नहीं, अभी आप ये फाइनल नोटिस, फाइनल नोटिस, लेकिन फिर भी आगे टाइम ले रहे हैं। वो अलग थी, पहले जो नोटिस दिया था वो अलग थी, अब जो नोटिस दिया हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन के वास्ते, ये लोग दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड अगेन, दे से दैट इंक्वायरी ऑफिसर इज नॉट गिवन, हैज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी टू अस, अपॉर्चुनिटी देनी हो तो मेरे ऊपर कोर्ट को जाती हूँ, तो मैं वो एक स्टेज है इंक्वायरी ऑफिसर का, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करना है लास्ट। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है, अभी आप नोटिस, फाइनल नोटिस दिए हैं, फिर भी आके फिर भी ये लोग नहीं आए, काउंसिल आके आपसे टाइम ले रहे, नहीं आगे टाइम ले रहे।
तो फिर अब उस नेक्स्ट टाइम पे भी अगर आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मैं यार लास्ट या अपॉर्चुनिटी बोलते मैं रिपोर्ट देता हूं। ओके बस थैंक यू। अब दो अब मैं इंटरव्यू पास जा रहा क्योंकि ऑलरेडी फॉर द लास्ट 4 इयर्स दिस इंक्वायरी स्पेंडिंग एंड सो मेनी ऑफिसर्स सो 3 ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड दे आर नॉट डन इंक्वायरी बट आई वाज अपॉइंटेड आई हैव डन इंक्वायरी कंप्लीटेड द इंक्वायरी बट वन स्टेज इज लेफ्ट। As soon as this stage is over, then I have to examine the, all witnesses before themselves. They have to examine each other, petitioner as well as respondent, their witnesses and their witnesses. The respondent has to cross the witnesses of petitioner. Petitioner has to cross the witnesses of respondent before the inquiry officer. Sir, his face. Sir, the morning. Till inquiry report. मैं दबाव रहा था उस सुल्तानी का कि बात नहीं